अभी तक आपने बैंकों से ट्रांजैक्शन, लोन और तमाम गतिविधियों को देखा होगा, लेकिन काशी में एक ऐसा बैंक है जहां राम के नाम का कर्ज लिया जाता है और फिर उसी तरीके से उसको वापस यहाँ पे भरा जाता है। आज हम आपको राम रमापति बैंक के अंदर लेकर के चलते हैं, जहाँ बात करेंगे वहाँ के लोगों से कि आखिर क्या मान्यता है, कब इस बैंक को बनाया गया, अभी तक कितने राम नाम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, क्या लोगों की मान्यताएं हैं, क्या लोग चाहते हैं। भैया सबसे पहले आपका प्रभात साहब चीज स्वागत है। क्या है मान्यता इस बैंक का? इस बैंक में लोग जो राम नाम लिखते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लिखते हैं। इंसान की ऐसी कोई भी मनोकामना हो, इच्छा हो, जो पूर्ण ना हो पा रही हो, तो वो बैंक में आता है। ठीक है, तो उसको जो है बैंक जो है राम नाम का लोन इशू करता है, बोले भगवान के नाम का लोन, जिससे लिखने से इंसान की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। ये 250 दिन का अनुष्ठान होता है, जिसमें रोज़ 500 राम नाम आपको लिखना होता है। कागज, स्याही, कलम, दवा सब चीज़ हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाता है, किसी भी चीज़ का कोई भी चार्जेस नहीं है। सिर्फ सवेरे प्रातः उठ के आपको रोज़ 500 राम नाम लिखना है 250 दिन तक। इसको लिखते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे आप किसी भी बैंक में अगर जाते हैं लोन लेने तो वहाँ आपको नियम का पालन करना होता है, उसी प्रकार से हमारे बैंक में भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना है आपको, मांस वगैरह हो गया, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो या कहीं बच्चा पैदा हो तो ऐसी जगह का अशुद्ध भोजन नहीं करते हैं। बस यही करते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए आपको 250 दिन तक लिखना होता है अपना, फिर विधिवत पूजन करके वो हमारे यहाँ जमा होता है। इस समय हमारे यहाँ 19,39,00,000,000 से ज़्यादा राम नाम एकत्रित हैं, जो कि रामनवमी के पहले तक की काउंटिंग होती है ये है, और यह हर साल जो है ये रिवाइज होता है। कैसे इसकी स्थापना की गई, क्यों, कहाँ से किसके मन में ख्यालात आए, कब इसको इसको बनाया? इसकी स्थापना जो है हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के द्वारा जो है दास छन्नूलाल जी द्वारा किया गया था। उनको जो है ये सतराम दास जी थे, कैलाश निवासी थे, तो उनके द्वारा प्रेरणा मिली थी जो कि जन कल्याण के लिए थी। जैसे कि इंसान जो होता क्या है कि इंसान जब सब जगह से हार जाता है तब उसको भगवान के शरण की याद आती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहीं ऐड नहीं करते हैं, अगर आप हमारे बैंक में भी आते हैं तो आपको छोटी सी नेम प्लेट भी कहीं मिलेगी, लोग पूछते पूछते आते हैं। तो जन कल्याण की जो भावना थी उनके मन में हमेशा से था कि जो है कैसे किसकी हेल्प किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो उनकी भावनाओं को समझते हुए बाबा सतराम दास जी थे उनके द्वारा जो है इसकी निर्देशानुसार जो है इसकी स्थापना हुई है। और ये 95 वर्ष से 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और ये हम लोग 95वां वार्षिक उत्सव इसका मनाते हैं। बैंक का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बैंक मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो क्या इस तरीके का भी स्ट्रक्चर है? हाँ जी हाँ, इसमें जो है इसके ओनर कह लीजिए तो भगवान प्रभु श्री रामलला जी हैं। ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट के तरीके से भगवान शिव जी जो हैं वो इसके वो हैं, सेक्रेटरी में हनुमान जी हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे एज अ मैनेजर कह लीजिए या एज अ सेवक कह लीजिए, हम लोग यहाँ पे वर्कर की तरह से काम करते हैं। पूरा परिवार जो है इसमें काम में लगा हुआ है और निष्काम भाव से जो है प्रभु की सेवा में लगे हैं। कहाँ कहाँ के लोग, कहाँ कहाँ के भक्त अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं? अगर बात किया है तो सात समुंदर पार से भी सुनने में आता है कि बहुत से लोग यहाँ। हाँ हाँ, ऐसा है कि विश्व भर से हर जगह से बैंक के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल दें, जहाँ के ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, अमेरिका एक सबसे कॉमन जगह है, उसके बाद जो है आपका यूरोप हो गया, यूरोप में जैसे ग्रीस, इटली, जो कि इसलिए इन शहरों का नाम ले रहे कि यहाँ से भक्त बहुत ज़्यादा हैं, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इसके साथ साथ वेनेजुएला, वेनेजुएला में हमारे कम से कम हज़ारों भक्त होंगे जो कि राम नाम लिखते हैं। इसके साथ साथ इंडिया के तो जो है हर देश के हर कोने के लोग हैं ही हैं यहाँ पे। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट से लेफ्ट लिखी जाने वाली कोई भी लिपि को छोड़ के हर एक भाषा में हमारे यहाँ राम नाम लिखा हुआ है। अच्छा, चाहे वो विश्व की कोई भी भाषा हो, जैसे चाहे आप जैपनीज ले लीजिए, फ्रेंच ले लीजिए, ठीक है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा ले लीजिए, राइट से लेफ्ट लिखने से राम का मतलब बदल जाता है, सिर्फ उस भाषा को छोड़ के बाकी हर भाषा में, हर लिपि में राम नाम लिखा हुआ है। इंग्लिश तक में राम नाम लोग लिख के भेजते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अंग्रेज हैं जिन्होंने, अंग्रेज हैं लेकिन उन्होंने हिंदी सीख कर राम नाम लिखा। जय जय सुनाय की प्रार्थना करनी होती है तो उन्होंने उस जय जय सुनाय की प्रार्थना तक को याद किया कि उनको राम नाम लिखना है और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। अच्छा, एक और बात मैंने सुनी है और हालांकि मैं उसके बारे में जानता भी हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी कुछ यहाँ से कनेक्शन है। हाँ, क्या है वो कनेक्शन? शत्रुघ्न सिन्हा की माता जी ने 4 बार राम नाम लिखा था। सबसे पहली बार जब उन्होंने राम नाम लिखा था तो उनको पहला पुत्र संतान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उनको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या ये कहा जाए कि संतान की ही प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो
उनको जो है एक बाबा जी घाट पे मिल गए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे राम बैंक में चले जाओ, वहाँ पे जो है आप राम नाम लिखो तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो उनकी माता जी ने जब पहली बार राम नाम लिखा तो उनको पहला पुत्र हुआ, दोबारा लिखा तो दोबारा पुत्र हुआ, ऐसे करते करते चार बार लिखा तो चार पुत्र हुआ, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है इस टाइप से उनका नाम रखा गया। तो जो फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा है तो उनकी उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। तो क्या अभी भी वो कनेक्टिविटी में है, कभी आते जाते हैं लोग? हाँ, वो दो बार जो है यहाँ पे आ चुके हैं, खुद में आए हैं, उनकी वाइफ आई हैं, उस समय आई थिंक सोनाक्षी जो है बहुत गोदी में थी जब उन लोग आए थे, और कनेक्टिविटी में है, संपर्क में होता रहता है। बिल्कुल, आज बैंक में हम लोग जहाँ पे हैं उनसे कुछ और लोगों से बात करें, क्योंकि रामनवमी की तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं, क्या लगता है कैसे तैयारियाँ कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रभु की सेवा है, बस वही हम लोग कर रहे हैं इस समय, और एक हम लोग उत्सव की तरह इसको मनाते हैं। बिल्कुल, हाँ, पूरा कि साल भर पे एक बार मौका मिलता है, तो इसलिए जितना हम लोग अपना मतलब प्रभु को अपना वो कर सके, समर्पण कर सके, उतना करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ पे, अगर वो राम नाम का लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनको एक बार तो आने पड़ेगा, कर्जा लेना है तो एक बार तो बैंक में आने पड़ेगा, वो आने के बाद फिर उसका अगर दूर देश में है तो फिर वो मतलब मनी ऑर्डर के जरिए और ऐसे सब तक के जरिए उन तक पहुँचाया जाता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है पूरे राम नाम से ये पूरा जो है ये किस देश की तौर पे बनाया जा रहा है, जिसमें रामनवमी के दिन जो है भव्य पूजन अर्चन किया जाएगा, सामने जो है भगवान राम का मंदिर भी है जिसमें जो है राम जी की पूजा की जाती है, और नित्य प्रतिदिन यहाँ पे जो है पूजन और पाठ होते हैं। कुछ और यहाँ के विशेष खास चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या प्रभु श्री राम को नाम के साथ क्या कुछ और भी चीज़ें पसंद हैं? बाबू जी, आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं, क्या लगता है कि किस तरीके से और लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है इसमें, क्योंकि प्रभु राम श्री राम का जो है एक अलग ही वो है पूरे हिंदू धर्म में हमारे? एक चीज़ बता दें कि हमें तो ये विश्वास है कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती है, यहाँ जैसे जो सवाल है राम नाम का अनुष्ठान जो दिया जाता है लिखने के लिए, तो इस कलयुग में एक बहुत बड़ा जो है ये समझ जाइए कि महायज्ञ है कि नियम संयम पालन करते हुए 8 महीना 10 दिन तक 500 राम राम रोज लिखना पड़ता है, तो ये एक महायज्ञ है। तो कहते हैं कि इस कलयुग में अगर अंतःकरण से एक राम भी अगर लिख जाए तो ये भवसागर से इंसान पार हो जाता है, लेकिन माया उसको पीछा छोड़ती नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि चले आओ प्रभु के शरणागत, ये जो रामलला जी का जो मंदिर देख रहे हैं आप, अब ये 10 दिन के लिए रामनवमी के दिन से ये यहाँ आ जाता है, और अब तक 95 वर्ष में 19 अरब से भी ज़्यादा राम राम इकट्ठा हो चुका है, इस राम नाम की परिक्रमा लगाने को मिलती है। तो ये 19 अरब जो राम नाम है ये सही माने में देखा जाए तो लोगों की श्रद्धा भक्ति और विश्वास का खजाना। तो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करावा और अंत समय उसके मुख पर राम का नाम लिया। तो यहाँ पे 125,000 राम नाम जो दिया जाता है लिखने के लिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी थीम है, आपको बताते हैं भाई साहब। इसकी टाइमिंग भी है क्या कि किस टाइम पीरियड में? सवेरे उठ करके ब्रह्म बेला में बोले, चूंकि प्रकृति शांत रहती है तो उस समय राम नाम लिखना होता है, हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है, और उसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे आप फॉर्म भर के भेजिए, यहाँ से आप मेल पे ले लीजिए, व्हाट्सएप पे ले लीजिए, तो अब तो मीडिया का जमाना है तो व्हाट्सएप पे फॉर्म भेज देते हैं, आपने उसको जो है भरा और फिर भर के उसको जो है व्हाट्सएप कर दिया वापस, और उसको हम कह देते हैं कि भाई आपका भरा हुआ फॉर्म भी उसको आप डायरेक्ट जो है पोस्ट भी कर दीजिए, ताकि उनको तत्काल फिर से राम नाम जा सके। तो मेरा एक कहने का सिद्धांत मतलब ये था कि ये जो 125,000 राम नाम दिया जाता है लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जीवन में एक आदमी के एक प्रक्रिया में चेंजेस आते हैं कि सवेरे उठकर राम नाम लिखना है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि दुनिया में आज की दुनिया में सबके संग कोई ना कोई दुख सुख रोग शोक शत्रु प्रपंच लगा रहता है, तो अगर उसको राम नाम का टेंशन हो गया तो इससे बढ़कर के क्या है, वहीं पे जो है बोले उसकी मनोकामना सिद्धि होती कि सवेरे उठ करके राम नाम लिखना है। कहते हैं ना कि हनुमान जी को जो है बोले राम नाम का मंत्र जो है स्वयं सिद्ध था, उनके श्वास में जब खींचते थे तो राह और जब छोड़ते थे तो माँ, तो राम राम नाम का मंत्र बोले जो है वो निरंतर जपते थे, तो बोले जो है बोले हनुमान जी कौन थे, बोले भगवान शंकर के एकादश रूप 11वां अवतार,
तो उनसे बढ़ के सिद्ध साधक तो कोई नहीं हुआ। लेकिन हम लोग कलयुग में कोशिश ये करते हैं कि भगवान के शरण में आ जाओ, और अगर वो नहीं पालन, उनका नाम क्या है, बोले पालनहार। इस सृष्टि की जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो सफर है उसका पालन कौन करते हैं, बोले प्रभु श्री राम। अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर ये जान लीजिए कि कोई सुनने वाला इस धरती पे है ही नहीं। बिल्कुल, अभी तक जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा था कि आपने तमाम बैंकों को देखा होगा जहां पैसों का ट्रांजेक्शन होता होगा, लेकिन काशी में ये अनोखा और एक अद्भुत और अस्मरणीय बैंक है जहां पे सिर्फ 19 अरब से ज्यादा जो है राम का नाम यहाँ पे इकट्ठा है, और इसकी परिक्रमा रामनवमी के दिन की जाती है। कहा जाता है कि मनोवांछित फल की पूर्णति होती है इससे। प्रवास साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।